किसानों पर हुई एफआईआर के खिलाफ श्योरपुर विधायक बैठे धरने पर। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने किया था धरना प्रदर्शन, अपने घर पर ही कुटिया में बैठे विधायक धरने पर। किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर एफआईआर वापस नहीं हुई तो थाने का करेंगे घेराव। एफआईआर अगर वापस नहीं हुई तो करेंगे जंगी प्रदर्शन। उपचुनाव में बनाएंगे बड़ा मुद्दा, किसानों को लेकर बोले विधायक। धरना प्रदर्शन था जो अध्यादेश कृषि किसानों पे लाए थे केंद्र सरकार, और भी मांगे थी किसानों की, तो गांधीवादी तरीका से आंदोलन कर रहे थे किसान। अपने हक की लड़ाई का अधिकार होता है, और सरकार ने, भाजपा सरकार और प्रशासक ने अपनी तानाशाही से उन लोगों पे, किसानों पे फायर करवाई। ये मुझे बड़ा दुखद है, और ये फायर किसानों का अपमान है, और अपने अधिकार की लड़ाई किसान को लड़ने की स्वतंत्रता है, और गांधी तरीके से भी लड़ रहे थे, उसके लिए मैंने एक दिवस का धरना प्रदर्शन किया। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब इनकी किसानों की जो एफआईआर हुई वो केस वापस हो, एफआईआर वापस हो, ये गलत तरीका से एफआईआर की गई है, और अगर नहीं हुई तो कल हम थाने का घेराव करेंगे और जंगी प्रदर्शन करेंगे। विधायक जी, जो ये आगे चुनाव आने वाले 28 सीटों पर, क्या इसमें ये मुद्दा बनेगा किसानों की जो एफआईआर हुई? आने वाला जो उपचुनाव है उसमें ये मुद्दा बनेगा, और इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। ये गलत तरीका से एफआईआर करिए, और हमारा कांग्रेस का, हमारा मुखिया जी का, मन्ना जी का, पूरा प्रदेश में, पूरा भारत में ये आंदोलन रहेगा, और किसानों को अपनी बात कहने का हक है, और अपनी बात के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter, and you can also follow us on Instagram.